हेलो दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आप भी अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने के बाद एडसेंस अकाउंट बनाए होंगे, उसको लिंक किए होंगे अपने चैनल के साथ। साथ ही में एडसेंस अकाउंट में आपको एक ऑप्शन आता है यूएस टैक्स फॉर्म भरने का, जो कि सबसे पहले आपको यही सेटिंग करनी चाहिए। तो कुछ लोग पूछते हैं कि सर हमको एडसेंस में यूएस टैक्स फॉर्म कब भरना होगा, तो मैं आपको बता दूँ कि यूएस टैक्स फॉर्म जो है, जैसे आप एडसेंस बनाते हैं तैसे ही आपको ऑप्शन मिल जाता है फिलअप करने का यूएस टैक्स फॉर्म, ताकि जब भी गूगल या गूगल एडसेंस आपकी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में सेंड करे तो जो भी यूएस में व्यू जाता है उस पर जो भी ऐड आते हैं उससे जो भी टैक्स बनता है, टैक्स जो है यूएस वाले काट कर जो है आपको आपका जो है पेमेंट करेंगे। तो इसीलिए यूएस टैक्स फॉर्म फिलअप करवाया जा रहा है और ये इंपॉर्टेंट है, सभी एडसेंस यूजर को भरना जरूरी है और खासकर इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप भी अपने एडसेंस में यूएस टैक्स फॉर्म भरना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आपको यूएस टैक्स फॉर्म कैसे भरना है और आपको वहाँ पर क्या क्या ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ताकि आपके जो भी यूट्यूब से अर्निंग हो उस पर टैक्स ना लगे। एंड दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस फॉर्म को नहीं भरते हैं तो आपकी वर्ल्ड वाइड जितनी भी अर्निंग होगी सब पर जो है 30% टैक्स लगेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपनी अर्निंग को कट होने से बचाने के लिए आपको यूएस टैक्स फॉर्म फिलअप करना जरूरी है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि पैन कार्ड जो होता है, जिसका अकाउंट है उसी का लगाना चाहिए, किसी अदर का भी लगा सकते हैं लेकिन टैक्स उसका कटने लगेगा जिसका पैन कार्ड ऐड करेंगे। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बता दें कि आप कैसे एडसेंस में यूएस टैक्स फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो दोस्तों, मेरे पास एक न्यू एडसेंस है और मैं आपको जो है लेटेस्ट तरीके से जो है यूएस टैक्स फॉर्म भरने का तरीका बताने वाला हूं। तो जैसे आप एडसेंस अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहला सेटिंग आपको यही करना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पर देख सकते हैं हल्का सा ऑरेंज कलर के जो है बॉर्डर में आपको मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन मिलेगा और ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो अपने एडसेंस में यूएस टैक्स फॉर्म भरना है, वरना जो है आपके यूट्यूब वीडियो पे जो भी व्यूज यूएस से आएंगे उससे जो भी अर्निंग होगी उस पर टैक्स यूट्यूब लगाने वाला है। तो यूएस टैक्स फॉर्म आपको फिलअप करने के लिए आपको मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा, आप देख सकते हैं सबमिट ए टैक्स फॉर्म एज सून एज पॉसिबल, जितना भी जल्दी हो आप अपना जो है टैक्स फॉर्म जो है यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि नो टैक्स इन्फॉर्मेशन ऑन फाइल, मतलब अभी हमने जो है कोई भी टैक्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फाइल नहीं किया, तो हमको जो है यहाँ पर एड टैक्स इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों, एड टैक्स के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक मैसेज मिलेगा बिफोर यू स्टार्ट, आप इसको रीड कर सकते हैं कि आपको क्या केयरफुली जो है ध्यान देकर इस डॉक्यूमेंट्स को फिलअप करना है। उसके साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर स्टार्ट टैक्स फॉर्म का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर फिर से अपने एडसेंस अकाउंट का पासवर्ड डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके साथ ही दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको यहां से फॉर्म को फिलअप करते चलना है, तो आपको ध्यान से जो चीजें मैं बता रहा हूं वैसा ही करते चलना है। व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज, जो भी आपका नेम रहेगा वो शो होगा और आपको यहां पर इंडिविजुअल को सिलेक्ट करना है। आपको यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है, नीचे आना है आर यू अ सिटीजन और रेजिडेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, आपको यहाँ पर दो टाइप के फॉर्म दिखाई देंगे, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है W8 Bain फॉर्म को, आपको यहाँ पर स्टार्ट W8 Bain फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों टेक्स्ट आइडेंटिटी आपके स्क्रीन पर शो होगा। अब आपको यहाँ पर जो भी आपका नेम है वो आपको नेम रखना है सही, और यहाँ पर दोस्तों आपको कंट्री सिलेक्ट करना है, तो जो भी आपकी कंट्री है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो फिलहाल मैं इंडिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों टेक्स्ट पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपको यहाँ पर दोस्तों फॉरेन टीन और यूएस टीन का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर फॉरेन टीन में आप जो है अपना पैन कार्ड नंबर डाल सकते हैं, जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एड्रेस का ऑप्शन आएगा, परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस, तो आपको यहाँ पर चेक कर देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कंट्री पहले से सिलेक्ट है और यहाँ पर स्ट्रीट एड्रेस जो भी है आपका वो यहाँ पर आपको डाल देना है। एड्रेस आपको सही डालना है और एड्रेस चलिए हम यहाँ पर डालकर आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एड्रेस डालने के बाद आपको मेलिंग एड्रेस इज सेम एज परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस को चेक कर देना है, अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो। मेलिंग एड्रेस अगर आप इसी को बनाना चाहते हैं परमानेंट एड्रेस को, तो आपको यहाँ पर चेक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आर यू क्लेमिंग ए रिड्यूस्ड रेट ऑफ विथ होल्डिंग अंडर ए टैक्स ट्रेटी, तो आपको यहाँ पर एस पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर दोस्तों रेजिडेंस ऑफ कंट्री आपको यहाँ पर चेक करना है और यहाँ पर कंट्री को सिलेक्ट करना है, तो फिर से आपको जो है इंडिया को सिलेक्ट कर लेना है। उसके साथ ही दोस्तों आपको नीचे आना है, यहाँ पर स्पेशल रेट्स एंड कंडीशन का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको जो है यहाँ पर
इन सभी सर्विस को सिलेक्ट करना है, नीचे क्लिक करना है, आर्टिकल एंड पैराग्राफ के ऊपर आपको क्लिक करना है, आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ 1 सिलेक्ट करना है, विथ होल्डिंग रेट के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 0% रजिस्ट्रेटी रेट को चेक कर देना है। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर चेक बॉक्स को चेक कर देना है, नीचे आना है, इसको चेक करना है, आर्टिकल एंड पैराग्राफ को क्लिक करना है, आर्टिकल एंड पैराग्राफ 12 एंड पैराग्राफ 2A को जो है आपको सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर क्लिक करना है, 15% को सिलेक्ट करना है, इसको चेक करना है, नीचे आना है, इसको चेक करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ 2A को सिलेक्ट करना है, इसको जो है क्लिक करना है और यहाँ पर 15% रिड्यूस्ड ट्रीटी रेट को चेक सिलेक्ट कर लेना है, साथ ही में यहाँ पर चेक कर देना है। अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर इस साइड कुछ इस तरह से दिख रहा है। आपको यहाँ पर आई कन्फर्म दैट पे क्लिक कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब दोस्तों योर सिग्नेचर, आपको यहाँ पर योर फुल लीगल नेम भरना है, मतलब आपका जो भी लीगल नेम है डॉक्यूमेंट पर वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना नेम डाल देते हैं। नेम डालने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आर यू द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्शन, तो आपको यहाँ पर एस पे क्लिक कर देना है क्योंकि ये सिग्नेचर सेक्शन आप ही के द्वारा जो है किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्टिविटी एंड सर्विसेज परफॉर्म इन द US, आपको यहाँ पर नो को सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर चेक कर देना है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर स्टेटस चेंज एफिडेविट का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं दो तरह के ऑप्शन मिलेंगे, जहां पर आपको आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर ए न्यू और एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल हैज नॉट रिसीव्ड पेमेंट्स, तो अगर आप न्यू हैं अभी एडसेंस में कोई भी पेमेंट आपको नहीं मिली है तो आपको यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और अगर आपकी एडसेंस में पेमेंट आ रही थी तो आपको यहाँ पर सेकेंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो मैंने जो न्यू चैनल के लिए नया एडसेंस पर यूएस टैक्स फॉर्म भर रहा हूँ तो मुझे ये पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया है गो पेपरलेस रिकमेंडेड का। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये करना जरूरी है और यहाँ पर आपको आई एक्सेप्ट द पेपरलेस डिलीवरी एग्रीमेंट को चेक कर देना है, साथ ही में दोस्तों आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। फाइनली दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यूएस टैक्स फॉर्म जो है अप्रूव्ड हो गया है। जो मैंने फॉर्म W8BN को भरा था वो अप्रूव्ड हो चुका है और यहाँ पर डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों आप बहुत ही आसानी से अपना जो है यूएस टैक्स फॉर्म एडसेंस में जाकर फिल कर सकते हैं, और ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको करके दिखाया। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा और स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से मैंने आपको यूएस टैक्स फॉर्म एडसेंस में भरने का तरीका बताया, आपने इस वीडियो की मदद से यूएस टैक्स फॉर्म को काफी क्लियर तरीके से भर लिए होंगे। दोस्तों वीडियो और जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक टेक्निकल देव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटा दबाइए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।